इंदौर जिले की राहू पुलिस के 15,000 इनामी भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने 50 से अधिक लोगों के साथ प्लॉट के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, जिसकी फरियादियों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर काफी लंबे समय से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। ये 2019-20 में श्री लक्ष्मी राजलक्ष्मी के नाम से इन्होंने रंगवासा में कॉलोनी काटी थी। लोगों से इन्होंने प्लाट के पैसे लेने के बाद में रजिस्ट्री का समय आया तो रजिस्ट्री न कराते हुए पैसे लेके धोखाधड़ी की। इस संबंध में थाना राहू में दो प्रकरण दर्ज हुए थे, एक 104 एक 480। जो 2019-20 से फरार थे उसमें राजकुमार पिता सुभाष चंद नेमा, दूसरा है राजा बाबू पिता सुभाष चंद नेमा। इन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया था। इन दोनों को 4/4/2022 को राहू पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया। लोग तो काफ़ी है, लेकिन अपने पास में 15 लोग करीब आए थे। 15 लोगों की शिकायत के ऐसे प्रकरण दर्ज किया गया था। नहीं, दो ही प्रकरण। सब इसका केस बामनिया थाना राहू। नागदा के किसान चौक स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद नवीन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पंचकुंडात्मक महायज्ञ का आयोजन यज्ञ आचार्य पंडित बालकृष्ण शास्त्री के आचार्यत्व में संपन्न होगा। 10 अप्रैल रविवार को रामनवमी के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी। इसी दिन भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी व हनुमान की नवीन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। साथ ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इंदौर में ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में पुलिस को बाईपास पर शव मिला है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव की शिनाख्त शैलेंद्र उज्जैन निवास के रूप में की है। फिलहाल मृत्यु का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। उसकी पहचान हुई है, उनके चाचा सुरेंद्र सिंह ने पहचान की है, उनके अपने भतीजे के रूप में। भतीजा शैलेंद्र सिंह, पिता महेंद्र सिंह सिकरवार, 42 साल जो उज्जैन के रहने वाले हैं। और सर क्या हुआ था, कैसे? अभी जांच में ऐसा कुछ अभी वो नहीं हो पाया है। ये अपने नेमावर ब्रिज के पास में सर्विस रोड पर खंडेलवाल ग्लास गोडाउन है, उसके पास में फुटपाथ के वहाँ। ये होटल पर काम करता था, ढाबे पर। नहीं, कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं लगाया। अब शराब वराब पीता था, ये लोगों को जो है, परिजनों को भी यह है कि अकेला ही था, माँ बाप शांत हो चुके हैं इसके, अकेला ही लड़का था। तो और ये घर से जो है अक्सर बाहर ही काम करता था। इन लोगों से जो है संक्रांति पे मिला था, गया था घर पर तो मिला था। वहाँ कोई उसका परिजन और कोई रहता नहीं, काका रहते हैं दोनों, तो उनसे मिला था। तभी उनसे बातचीत हुई थी कि होटल पर काम कर रहा हूँ। मैं ASI विनोद सिंह भदौरिया, थाना तेजाजनगर। तीन भाई तो महेश और तीनों भाई एक थानेदार हो गया, एक ASI है, एक हवलदार। हाँ, उसका अभी आज अभी उसके अंकल वगैरह आए हैं, उन्होंने बताया है कि इसका नाम एक हेमेंद्र नाम है। वो अस्थमा था बचपन से ही, और उसमें दवाई बहुत करवाई पड़ने, और अभी 8 महीने का बच्चा भी था पेट में। तो अचानक कल शाम को 7:30 बजे करीबन एकदम घबराहट हुई, और वैसे में अस्पताल पर एम्बाई वाले अर्जेंट में फ़ोन लगाया था एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस भी टाइम पर नहीं पहुँची पाई। फिर भी हमको NTH पे कम से कम 5-6 घंटा रुक के रखा था, वहाँ कुछ भी इलाज नहीं करवाया। फिर उसके बाद उन्हें MI भेजाया, MI लेके आए, तो यहाँ भी उन्हें भर्ती वर्ती यहाँ करा अंदर। फिर डेट तो घर पे हो गई थी सर। क्या नाम? किसका? हेमलता। कितने महीने हो गए? उनका 8-9 महीने चल रहा था। 8 महीने 15 साल हो गए सर। ये 12-13 साल की छोरी थी सर अपने। वो भी यहीं से एम्बेसी भाई थी, बड़े ऑपरेशन से। क्या नाम है? कहाँ पे? क्या नाम है? हेमलता। आप क्या रहते हैं? मैं तो भागलपुर में रहता हूँ। नहीं, आप क्या रहते हैं? हमाली मजदूरी करता हूँ। आपकी कौन सी?
महिला आपकी? आपकी मेरी पत्नी है ना वो। अच्छा, आपका नाम बताओ। हेमेंद्र। आज नाइट में मर्ग नोट कर आ गया है एमवाइस से कि एक महिला हेमलता उसके पति हेमेंद्र लेके आए मृतावस्था में, और उस सूचना पर हमने मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। पति से पूछते उन्होंने बताया कि घर पे डेट हो गई है, शायद अस्थमा की बीमारी बता रहे हैं। अभी जांच में लिया गया, जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। ये भागीरथपुरा रहती हैं महिला। सर बता रहा है महिला गर्भवती है। अभी उसके पति ने बताया कि 8 महीने का गर्भ था पत्नी को, और वैसे शादी को तो 12-15 साल हो चुके हैं, बड़ी लड़की 12 साल की है। आपका परिचय? राजेश सोनी, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना बाण। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात दुर्गेश यादव राव नामक युवक बिजली सुधार रहा था, तभी करंट लगने से वो नीचे गिर गया। परिजन दुर्गेश को तुरंत उपचार के लिए एम्बुलेंस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। कृष्ण यादव। क्या करते हो यादव जी? सुपरवाइजर करते हैं। कैसे हुआ था ये हादसा? शाम के टाइम में काम चल रहा था, और वहाँ से भराई चल रही थी 7:30-8 बजे के टाइम पे, और वहाँ पानी भी भरा हुआ था। और जब वो भराई करते समय अचानक कोई वायर शॉर्ट सर्किट हुआ, और वहाँ से वो लाइन खोल रहा था बंदा, और एकदम में आवाज़ आई, हाँ बोलो बिजली पकड़ ली मेरे को। इतने हम लोग 2-3 लोग वहाँ थे, और हम चिल्ला वाट करके लाइन कटवाई, इतने उसको फिर उठा के हम हॉस्पिटल पहुँचे। कहाँ ले गए थे? भंडारी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ भंडारी हॉस्पिटल में हमने चेक करवाया, वो देख के वो बोलो भैया MI हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करो। ये 3-4 बार लोगों ने जब शिकायत की थी मजदूरों ने तुम्हारे कि भैया करंट लग रहा है यहाँ पे बार, फिर क्यों नहीं देखा गया? सर मेरे नॉलेज में तो कोई किया नहीं, और मेरे को पता भी नहीं। मैंने शिकायत की थी। जो भी मेरे को आगे बताया उसको पूछो, मेरा नॉलेज में तो कोई आया नहीं, मेरे को बताया भी नहीं किसी ने अभी तक। इसका क्या नाम था मृतक का? इसका दुर्गेश। कौन सी कंपनी है ये कंपनी? तो सर एजूर है, मेरे को पूरा कंप्लीट नहीं पता, एजूर लिखा है उसका बार बोर्ड। कौन है यहाँ पे मेन? तो वहाँ का जितिन वर्मा है कोई। आपका नाम बताओ? कृष्ण यादव। गिरधर महल के सामने जस्ट। क्या नाम है तुम्हारा? प्रकाश। प्रकाश, क्या हुआ था? सर वहाँ पे करंट कंपनी की लापरवाही से लगा हुआ था। कैसे लग गया ये? सर हमें पहले 2-3 बार करंट लग चुका था, हमने बोला था कंपनी वालों को कि हमें करंट लग रहा है, इसमें सुधार करो, लेकिन उनकी लापरवाही से। सुपरवाइजर को नहीं बोला? सर सुपरवाइजर कोई था ही नहीं, सब ऊपर बैठे थे। नीचे लेवर वगैरह को बोला था जो वाइब्रेटर वगैरह चलाता है। इलेक्ट्रिकल भी नहीं था। ये इसका क्या नाम है भाई का? उसका नाम दुर्गेश बर्डे है। अच्छा, तो क्या हुआ था कल अचानक? अचानक ये हुई थी कि मतलब जो हमारी पाइपलाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन की, वो चौक हो गई थी, जाम हो गई थी मतलब। तो उसको पाइपलाइन काटते समय वो पानी भरा हुआ था नीचे, तो उसमें करंट था, और वो भाई उसमें गया तो चिपक गया। पहले भी शिकायत की? कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम तो नहीं बता। मैं तो प्रकाश देशमुख नाम है। आप साथ में काम करते हैं? हाँ हाँ। इंदौर की युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद उसे अश्लील फोटो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक उज्जैन के बड़नगर का रहने वाला है। उसने खुद को ट्रांसपोर्ट कारोबारी बताकर पीड़िता से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। युवती ने परिजनों को इस अफेयर के बारे में बताया, जिसके बाद उसके माता पिता लड़के के यहाँ रिश्ता लेकर चले गए, जहाँ पता चला कि लड़का ड्राइवर है। ये बात उन्होंने बेटी को बताई तो उसने भी लड़के से बात करना बंद कर दिया। इसके बाद नाराज लड़के ने फेसबुक पर दोनों की फोटो पोस्ट कर दी और ब्लैकमेल करने लगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।